हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला प्रशासन की तरफ से मणिकरण घाटी के कसौल चो छलाल में बिना रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर मेंटेन पॉल्यूशन व अधिक कमरों की अकोमोडेशन उपयोग करने वाले पर्यटन कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिला प्रशासन की ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम ने 45 होमस्टे होटल में नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए हैं। कुल्लू जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुनैना शर्मा ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में कसौल चो छलाल में 35 ऐसे होटल होमस्टे चलाने वाले व्यवसायियों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई है और उन्हें नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन और परमिशन से अधिक कमरों के अकोमोडेशन उपयोग करने का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटन कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, जो कुल्लू में जो कसौल का क्षेत्र है, जो कि हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां पे हमने एक रिसेंटली ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन है वो की गई है, जिसमें कि टूरिज्म विभाग, TCP, पोल्यूशन, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, सभी विभागों ने मिलकर जो है एक इंस्पेक्शन किया है, जिसमें कि ये चेक किया गया है कि क्या जो भी टूरिज्म यूनिट्स वहां पे है, क्या वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, क्या वो जो रजिस्ट्रेशन है उतने ही रूम्स चला रहे हैं, कहीं कम ज्यादा तो नहीं चला रहे हैं, और जो रिकॉर्ड है वहां पे वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है जितने भी टूरिस्ट हैं उनका, और इसके अतिरिक्त क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है और फिर भी चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है 45 के करीब ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स पाई गई हैं, टूरिज्म यूनिट्स पाए गए हैं जिसमें कि इरेगुलरिटीज पाई गई है, और ये जो हमारी जो ये विभागीय कार्रवाई है, इन पे अब शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। इसमें जितने भी हमारे यूनिट्स हैं जो जिनमें इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, उसमें मोस्टली जो है रिकॉर्ड मेंटेनेंस का इशू है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी पाई गई हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, और कुछ ऐसी भी पाई गई हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन से ज्यादा कमरे जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को जो अपने अपने एक्ट के हिसाब से सभी विभाग जो है उस पर नोटिस जो है वो जारी करने जा रहे हैं, और इसमें जो है सभी विभागों के द्वारा जो है वो कार्रवाई उसी प्रकार से अमल में लाई जाएगी।